गुड इवनिंग, कैसे है सब लोग। आज का दिन दोस्तों हम सब लोगों के लाइफ में एक बहुत बढ़िया दिन बनने जा रहा है, तो आप सब लोग तैयार हैं? पक्का तैयार हैं? सबसे पहले मैं सबको दोस्तों तहे दिल से वेलकम करना चाहूंगा। आज हम काफी सारे पॉइंट्स के ऊपर दोस्तों ध्यान देने वाले हैं, और आप थोड़ा समझने की कोशिश करो। आज मोटिवेशन के साथ में एजुकेशन मेन इंपॉर्टेंट है। अगर हमको प्रॉपर एजुकेशन रहेगा तो हम लोग मोटिवेशन में काम कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर हम लोग गलत तरीके से काम करेंगे, गलत मोटिवेशन से काम करेंगे, तो हो सकता है कि आज अपना जो ग्रोथ है उसमें बाधा आ सकती है। आज का जो हमारा प्रोग्राम है ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन, अभी हमारी बहुत अच्छी बहुत बढ़िया ग्रोथ चल रही है, उसके साथ साथ में बोलोगे भी इसको 10x कैसे करना है, 10x ग्रोथ करने के लिए क्या क्या चीजें करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, ये सारी चीज दोस्तों। थोड़ा सा मेरा स्पीड ज्यादा हो सकता है क्योंकि काफी सारे पॉइंट्स है, कम समय में कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। खासकर मैं सारे फैमिलीज को बोलूंगा, अपने माता बहनों को बोलूंगा कि आप थोड़ा पूरा प्रोग्राम्स को अटेंड किया करो, ताकि आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि एक्चुअली व्यामार्ट है क्या, व्यामार्ट का फ्यूचर क्या, व्यामार्ट के साथ में आप लोगों का ग्रोथ कैसे होने वाला है, आपका ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन किस तरीके से, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कैसे है दोस्तों, सक्सेस मैक्सिमाइजेशन कैसे, ये सारी चीजों के ऊपर हम लोग आज बात करने वाले। तो और भी कुछ लोग जुड़ रहे दोस्तों, बार बार राजू सर बोल रहे थे, मैं भी बोल रहा हूँ कि आप लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश करो, ताकि मैक्सिमम लोग आएंगे तो उनको तो ये सारी बातें उन तक पहुंच जाएगी। दोस्तों आज हम लोग कौन से पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देने वाले, कौन से पॉइंट्स कवर करने वाले, ये थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि आपको ये क्लियर होना चाहिए, आपके नॉलेज में होना चाहिए कि आप कौन से पॉइंट्स आपको कवर होने वाले हैं। ये क्या होता है, ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन ही हम लोगों को काम करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आज की कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर ये टेक्नोलॉजी ये हम सब लोगों को एक दूसरे के साथ में जोड़ रही है। आज देख रहे हैं हमारे कश्मीर से काफी सारे लीडरशिप जुड़ चुके हैं, कर्नाटका से जुड़ चुके हैं, गुवाहाटी आसाम से जुड़ चुके हैं दोस्तों, आज MP यूपी से जुड़ चुके हैं, खास करके वेस्टर्न महाराष्ट्र से काफी सारे लोग जुड़ चुके हैं। तो सब लोगों को पता है दोस्तों, मीटिंग कोई पॉलिटिकल या स्पिरिचुअल या सोशल नहीं है, ये एक बिजनेस मीटिंग है। हम लोग इसमें थोड़ा सा आपको कुछ ट्रेनिंग, कुछ काम करने के टिप्स देने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमको किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करेंगे तो युवा मार्ट के अंदर हम लोग सक्सेस पा सकते हैं, किस तरीके से हमको काम करना जरूरी है, जो हमारा ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन है, कैसे ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन हो सकता है। जैसे कि अभी हम लोग देखेंगे गोल सेटिंग को देखेंगे, ग्रोथ फॉर्मूलाज को देखेंगे दोस्तों, उसके साथ साथ में जो भी प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट का नॉलेज, प्रोडक्ट का टेस्टिमोनियल, न्यू प्रोडक्ट काफी सारे हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, ब्रांडिंग क्या होता है, रीस्टार्ट कैसे करना है, फास्ट ट्रैक बोनस क्या है, हमारे जो ऑफर्स है किस तरीके से, प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है, शेयर कैसे करना है, टेक्नोलॉजी को कैसे अडॉप्ट करना है, मार्केट पोटेंशियल क्या है, हमारा मार्केट कौन है, किस तरीके से है, उसके साथ साथ में विवा सक्सेस अकेडमी क्या करने वाली है, वर्किंग शेड्यूल कैसा होना चाहिए, और कंपनी का विजन मिशन क्या है। तो ये लगभग हम लोग 15 पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। इसके अंदर छोटा छोटा हम लोग टुकड़े में आपको कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे, और फिर डिटेल में हमारा जो RTP वगैरह होता है इसके अंदर कवर करेंगे। हमारे काफी सारे लीडर्स है दोस्तों, वो सारे लीडर्स ये सारे पॉइंट्स RTP के अंदर ट्रेनिंग के अंदर आपको 1-to-1 में भी सिखाते रहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बोला कि अपन थोड़ा सा अगर लोगों को क्लियरिटी दे देंगे कि किस तरीके से हमको काम करना चाहिए, तो लोगों को क्लियर आइडिया आ जाएगा कि विवा मार्ट के साथ में आज आप लोगों का फ्यूचर किस तरीके से। दोस्तों मैं आपको पहले 3 क्वेश्चंस करना चाहूंगा, क्या आप सब लोग साथ में हैं? थोड़ा बीच बीच मेरे को रिस्पॉन्स करेंगे, सामने से थोड़ा समझ में आएगा मुझे कि मेरा आवाज आप तक पहुंच पा रहा है। पहली चीज है दोस्तों, विवा मार्ट करने से पहले आपको 3 क्वेश्चंस का आंसर पता होना चाहिए, क्योंकि लोग बहुत मोटिवेशन में है, बहुत अच्छा काम करे, लेकिन ये 3 क्वेश्चंस आप लोगों को अगर क्लियर हो गए तो आपको समझ में आ जाएगा कि विवा मार्ट के साथ में किस तरीके से क्या मेरा अचीवमेंट होने वाला है। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाई आई एम हियर इन विवा मार्ट, आप लोग विवा मार्ट के अंदर क्यों हो, ये पहला क्लियर होना जरूरी है। आज मैं दोस्तों कुछ टेक्निकल चीजें, लॉजिकल चीजें, डेटा के साथ में आपके साथ बात करूंगा, ताकि आपको आइडिया आ जाएगा, क्लियरिटी आ जाएगी कि हमको किस तरीके से वॉलमार्ट के अंदर काम करना है, वॉलमार्ट से क्या मिलने वाला है। तो पहला मेरा क्वेश्चन है कि व्हाई आई एम हियर इन वॉलमार्ट, आप लोग वॉलमार्ट में क्यों हो वॉलमार्ट में। बहुत लोग बोलते हैं सर मैं यहाँ पे समाज सेवा करने के लिए आया हूँ, सर मैं यहाँ पे लोगों को पैसा कमा के देने के लिए आया हूँ। लोग बोलते नहीं मैं थोड़ा
सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, नहीं है दोस्तों। एक मैं आपको बोलना चाहूंगा, ये आंसर एक क्वेश्चन का एक सिंपल सिंगल आंसर है, वो है वॉलमार्ट में मैं पैसा कमाने के लिए आया हूं। क्या मैं सही बात कर रहा हूँ दोस्तों? क्या सही बात कर रहा हूं? तो ये क्लियर होना जरूरी है लोगों में, तो अपना ताकत जो मोगाड़ करे से गरज नहीं बता रहा। आज क्लियरिटी है कि अगर हम लोग वॉलमार्ट के अंदर है तो हर एक बंदा यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आया, ग्रोथ करने के लिए आए, सपने पूरे करने के लिए आए, बीवी बच्चे के सपने, फैमिली के सपने पूरे करने के लिए आए। ये पॉइंट एकदम क्लियर होना जरूरी है। दूसरी चीज होती है कि अगर मुझे यहां से पैसा कमाना है तो हमको एक चीज क्लियर होनी जरूरी है दोस्तों कि पैसा कमा के व्हाट यू वांट फ्रॉम वॉलमार्ट, वॉलमार्ट से आप क्या चाहते हैं, मतलब पैसा कमा के वॉलमार्ट से आप क्या चाहते कि मुझे घर लेना है, गाड़ी लेना है, और वो घर कौन सा होना चाहिए, वो गाड़ी कौन सी होनी चाहिए, स्पेसिफिक होना जरूरी है। मैं हमेशा बोलता हूँ गोल अपना ना स्मार्ट होना चाहिए, स्मार्ट एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अफोर्डेबल, टी फॉर टाइम बाउंड होना चाहिए। मतलब गोल आपका अगर स्मार्ट होगा, अगर गोल आपका स्मार्ट होगा तो आपको पता चल गया आपको कहाँ तक जाना है। क्योंकि लोग बोलते हैं मुझे बंगला लेना है, कौन सा बंगला लेना है, कब लेना है, 50 साल 60 साल होने के बाद में लेना है, बूढ़ा होने के बाद में लेना है, मरने के बाद में लेना है, कब लेना है, पहले डिसाइड करो दोस्तों। अगर वॉलमार्ट में ना पहले 3 क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर होगा तो आपका फ्यूचर 100% नहीं 1000% यहाँ से ब्राइट है। तो पहला बात है कि मैं यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आऊँ, दूसरा बात है मुझे पैसा कमाना है, इतने टाइम में कमाना है, एक घर लेना है, 1 साल के अंदर लेना है, 50 लाख का लेना है, कौन से एरिया में लेना है, गाड़ी लेना है मुझे 20 लाख की गाड़ी लेना है, 6 महीने में लेना है, 1 साल में लेना है, 2 साल में लेना, कौन से ब्रांड के लेनी है, कौन से कलर के लेनी है, कब लेनी है, कौन से डेट को, कौन से टाइम को लेनी है, ये डिसाइड होना जरूरी है। बहुत लोग ऐसे हवा हवा के सपने लेके आते हैं दोस्तों, फिर बाद में वो लोग पूरे नहीं कर पाते क्योंकि ये 3 क्वेश्चन का आंसर उनको क्लियर नहीं होता है। बात दोस्तों ये बाद में प्लान क्या है, प्रोडक्ट क्या है, प्रोफाइल के बाद की बात है, पहले आपको क्लियर होना चाहिए ना कि मुझे करना क्या है, मैं क्यों आया हूं वॉलमार्ट के अंदर, और दोस्तों व्हाट यू कैन डू टू अचीव योर गोल विद, आप किए गोल अचीव करने के लिए क्या करना चाहिए। अभी देखो लोगों को पता है मुझे पैसा कमाना है, दूसरा है मुझे इतने टाइम में कमाना है, इतना कमाना है, ये करना है, लेकिन वो कमाने के लिए मैं क्या करना चाहता हूँ, या मेरा क्या क्या करने के लिए मैं तैयार हूँ, क्या क्या करने के लिए तैयार है दोस्तों। अभी बारिश हो रही है, अभी घर में प्रॉब्लम है, वो बच्चे का प्रॉब्लम आ गया, काफी सारे चीजों में लोग अटक जाते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज अ पेनफुल स्टोरी, एक्सेप्ट पेन गेट अ सक्सेस, विदाउट पेन नो गेन। दोस्तों एक बात को समझो, क्योंकि अगर मुझे 3 क्वेश्चन क्लियर है कि मैं वॉलमार्ट में क्यों आया हूँ, वॉलमार्ट से मुझे कितना पैसा कमाना है, कब तक कमाना है, और ये कमाने के लिए मेरी क्या क्या करने की तैयारियां है, ये 3 क्वेश्चन अगर आपको क्लियर है तो आपका गोल दोस्तों एकदम क्लियर है, आपका गोल एकदम क्लियर है। आपको पता है मुझे आने वाला 3 साल में, मुझे 5 साल में, 10 साल में वॉलमार्ट के साथ में क्या करना है, क्या अचीव करना है। अगर 3 क्वेश्चन का आंसर, 3 क्वेश्चन का आंसर अगर आपको क्लियर है दोस्तों तो 100% आपका फ्यूचर वॉलमार्ट के अंदर ब्राइट है। क्लियर हो रहा है दोस्तों? एक-एक पॉइंट्स को हम लोग कवर करते हुए आगे चलेंगे। तो ये गोल पहले सेट होना जरूरी है, अपना ड्रीम सेट होना जरूरी है, अपना फ्यूचर अपने को पता होना जरूरी है। क्यों?